हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यार, गेमिंग की दुनिया से इतनी बड़ी खबर नहीं बोल सकते, लीक हुआ है। टाइटल से आपने पढ़ ही लिया है, GTA 6 के कुछ फुटेजेस ऑनलाइन लीक हुए थे और ये अभी रिसेंटली कंफर्म किए गए हैं कि ये एक्चुअली GTA 6 के ही थे। तो यार, इतने सालों बाद, आई थिंक 2013 में GTA 5 रिलीज हुआ था, इतने सालों बाद हमें फाइनली एक GTA का ग्लिम्स देखने मिल रहा है, नेक्स्ट GTA का ग्लिम्स देखने मिल रहा है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए क्योंकि यार, ये जो गेम है इतने सालों से डेवलपमेंट में शायद रही होगी और ऑब्वियसली रॉकस्टार गेम्स नहीं चाहता कि कोई भी गेम के फुटेज है वो लीक हो जाए। एंड जैसे ही वो लीक हो गया, कुछ ही घंटों में उसको डाउन भी किया गया, उस पर्टिकुलर ट्रेलर को। तो अभी वो आप नहीं देख सकते, बट जिस किसी ने देख लिया उसने देख लिया, मैंने भी देखा है। एंड फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। अभी फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव बात करते हैं। कंपनी पर्सपेक्टिव से जब भी कोई चीज़ लीक होती है, मतलब वो उनके कंट्रोल में जो नैरेटिव रहता है वो लूज आउट हो जाता है, राइट? मतलब कोई चीज़ वो दिखाना चाहते होंगे आपको किस एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, वो आप नहीं देख सकते। ये जो भी फुटेजेस थे बहुत रॉ थे, इसके अंदर फिनिशिंग नहीं थी इतनी। तो इस हिसाब से रॉकस्टार गेम्स जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि उनको उनके गेम को पहले शोकेस करने नहीं मिला, ऑफिशियली उनकी साइड से शोकेस करने नहीं मिला। ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे ट्रेलर्स भी आपने देखे होंगे ऑनलाइन, जहाँ पे ये बोलते हैं कि ये रियलिस्टिक GTA 6 है। GTA 5 को कोई मोड करके बोल देता है कि यही GTA 6 है, बट इस बार वो नहीं था। इस बार एक्चुअल गेम के फुटेजेस आपको देखने मिले ऑनलाइन, तो वही चीज़ सरप्राइजिंग थी और शॉकिंग थी। अब बात करते हैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली अच्छा है, उनको जानने मिल रहा है कि यार GTA 6 बन रहा है, आ रहा है मार्केट में। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि यार कंफर्म हो गया कि GTA 6 इंडीड डेवलपमेंट में है। बात करते हैं भी रॉकस्टार गेम्स की एज अ कंपनी। इतने साल हो गए कि उन्होंने नया GTA नहीं डाला। इस बीच कुछ गेम्स आए उनकी तरफ से, रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो उनका सबसे बढ़िया गेम था, फिर बाद में आया GTA 5 PS3 पे, फिर आया GTA 5 PS4 पे, फिर आया GTA 5 PS5 पे, फिर बाद में आया GTA 5 एनहांस्ड एडिशन। पता नहीं इतने सारे GTA 5 उन्होंने लॉन्च कर दिए, पता नहीं वो लोग खुद कैसे बोर नहीं हुए। GTA ऑनलाइन भी आया, ऑफ कोर्स जो लाइव सर्विस गेम है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट सारे जो फैंस हैं वो रुके थे कि कब GTA 5 लॉन्च होता है और कब हमें जानने मिलता है कि यार क्या चल रहा है रॉकस्टार गेम्स के अंदर। तो इसी के साथ आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि GTA 6 फाइनली डेवलपमेंट में है। फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव मैं समझ सकता हूँ कि रॉकस्टार गेम्स के लिए कितना एक बड़ा शॉक रहा होगा कि उनमें से ही किसी डेवलपर ने ये फुटेजेस लीक किए। तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए था, बट एक कोई गेम जो इतना एंटिसिपेटेड है, जो डेवलपमेंट में इतने टाइम से चल रहा है, मेरे हिसाब से रॉकस्टार गेम्स को कुछ ना कुछ एक टीज देना चाहिए था, कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से पहले ही देनी चाहिए थी। तो अच्छा लग रहा है और काइंड ऑफ एक मिक्स्ड रिएक्शन है, बिकॉज मैं खुद एक गेम डेवलपर हूँ। आप सब लोग जानते हो कि मुंबई गलीज हम लोग का जो ओपन वर्ल्ड गेम है वो फिलहाल डेवलपमेंट में है, और इसी वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि छोटी छोटी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिक तक पहुँचाते रहे ताकि लोग अपडेटेड रहे। मैं लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ, बट एनी वे दिस इज नॉट अबाउट मुंबई गलीज, दिस इज अबाउट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6। आई एम पर्सनली एक्साइटेड बिकॉज कुछ एक नया चीज़ हमेशा रॉकस्टार गेम्स की तरफ से हमें देखने मिलता है, और यही गेम के थ्रू हमें और कुछ नया इनोवेशन देखने मिलेगा। वो फुटेजेस आपने देखे होंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें दिखाई गई है। तो मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ये गेम खेलना है। एंड जब भी ये गेम मार्केट में आएगा, पता नहीं कौन से साल में आएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट, एंड आई होप आप सब लोग भी वेट कर रहे होंगे इस गेम का। सो इतना ही बोलना था, मैंने सोचा कि GTA 6 का जो अर्ली फुटेज है वो लीक हो चुके हैं, तो एक वीडियो तो बनता ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपकी क्या थॉट्स है, क्या आप GTA 6 के लिए रुके हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है GTA 6 से, तो सब कुछ बता दीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपने अगली वीडियोज को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफी सारे वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अरे दोस्त रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो?
यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए। एंड थैंक यू।